आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के सिलाजुड़ी मार्ग पर 25,000 के नामी शातिर बदमाश इमरान से पुलिस की आमने सामने की मुठभेड़ हो गई, जिसमें इमरान गोली लगने से घायल हो गया। इमरान के पास से पुलिस ने एक लूटी हुई मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इमरान एक शातिर किस्म का बदमाश है और लगभग 1.5 दर्जन मुकदमों से सुसज्जित है। आपको बता दें कि कुछ ही घंटों पूर्व मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश मोहम्मद शान मुठभेड़ में घायल हो गया था और उसका साथी बदमाश इमरान जंगल में घुसकर फरार हो गया था। मुजफ्फरनगर पुलिस तब से ही इमरान की तलाश में लगी हुई थी। घंटों की नाकेबंदी के बाद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मुजफ्फरनगर से रोहित त्यागी की रिपोर्ट। आज ये एक बदमाश अभी यहाँ पर इमरान का बदमाश मंडी पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ है और इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचा बरामद हुआ, भारी मात्रा कारतूस बरामद हुए हैं। आज सुबह ककरौली थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी चेकिंग के दौरान, जिसमें शानू नाम का बदमाश घायल हुआ था और ये जो यहाँ पर आज घायल हुआ है, अभी मुठभेड़ हुई, ये बदमाश फरार हो गया। तभी से लगातार चेकिंग चल रही थी सभी थाना क्षेत्रों में और इसके साथ एक बदमाश और था जो यहाँ से फरार हो गया और उसके लिए अभी तलाश पुलिस की जारी है। इनाम कितना है सर इस पे और क्या मिला है? देखिए, इसके ऊपर भी 25,000 रुपये का इनाम है और सुबह जो बदमाश घायल हुआ था उसके ऊपर भी 25,000 रुपये का इनाम था और ये दोनों करीब 2 हफ्ता पहले लूट हुई थी मोटरसाइकिल की ककरौली क्षेत्र से, उसमें दोनों के दोनों वांछित थे और वो लूटी मोटरसाइकिल आज ककरौली क्षेत्र में बरामद हुई है और इसके पास से तमंचा मिला है, एक मोटरसाइकिल मिली है जो कि चोरी की बताई जाती है और कारतूस मिले हैं। देखिए, इस ये एक शातिर अपराधी है और इस पर लगभग 20 मुकदमे हैं। बैसुमा क्षेत्र का मेरठ का रहने वाला है।